नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चाल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों क्या आपका यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग के ऊपर है? आपको ज़्यादातर व्लॉगिंग वीडियो एडिट करना होता है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरी तरफ से। दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल है ये यूट्यूब के लिए व्लॉग को कैसे एडिट किया जाता है वो भी एक फ्री सॉफ्टवेयर में आज आपको दिखाएंगे। आप लोग को पता है कि केडन लाइव के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारे डाल चुका हूँ और आज मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे व्लॉग को एडिट किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से केडन लाइव में। केडन लाइव एक फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये ओपन सोर्स है, आपको इंटरनेट से इसको आसानी से डाउनलोड करके मिल जाएगा और इसका जो साइज़ है दोस्तों वो बहुत ही छोटा है, मतलब 100 MB के आसपास इसका साइज़ है। और इसके लिए दोस्तों आपको उतना हाईफाई मशीन का ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम अगर लो कॉन्फिगर्ड रहेगा तो भी ये आसानी से आपको वीडियो को हैंडल कर लेता है। दोस्तों इसमें 4K तक वीडियो आप एडिट कर सकते हैं, इसमें आप कलर ग्रेड कर सकते हैं, इसमें साउंड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। चलिए हर चीज़ में आप आज आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे इस चैनल से, इस वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो, और बेल वाला आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे जल्द पहुंचे। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप में चले जाएंगे, मैं डेस्कटॉप में चला गया। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं केडन लाइव को खोल लेता हूँ, पहले बहुत जल्दी खुल जाता था, चलिए खुल गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक सेव करूंगा, प्रोजेक्ट को सेव एज, इसको रखूंगा टेस्ट TEST ना व्लॉग एडिट, ये करके मैं इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब इस प्रोजेक्ट बिन में आप देख सकते हैं इधर ये जो प्रोजेक्ट बिन है, इस प्रोजेक्ट बिन में मैं क्या करूंगा, मेरा जो वीडियो फुटेज है उसको मैं इधर इंपोर्ट करूंगा। वो मेरा कहाँ है, वो मेरा ये वाला फुटेज में है, चलिए मैं यहाँ पर से उसको ले लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों 30 फुटेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया हूँ, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये चला गया मेरा इसमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इंपोर्ट जब होगा तो यहाँ पर स्विच का ऑप्शन देगा, स्विच मतलब आपका जो फुटेज है फुटेज के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा जो फुटेज है उस फुटेज के हिसाब से प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। कैंसिल करने तो मेरा जो प्रोजेक्ट सेटिंग है उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट मेरा सेव है। चलिए प्रोजेक्ट सेटिंग्स को एक बार देख लेते हैं, यूट्यूब के हिसाब से प्रोजेक्ट सेटिंग्स है कि नहीं। ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स में क्लिक करूँगा, बहुत सारा वीडियो लोड हो रहा है दोस्तों इसीलिए थोड़ा मशीन लैग कर रहा है। ये देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो है 1080p 25 FPS, मतलब YouTube के हिसाब से ये परफेक्ट सेटिंग्स है दोस्तों। इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये हो गया। चलिए एक बार मैं आप लोगों को मेरा जो वर्जन है केडन लाइव का वो भी दिखा देता हूँ। अबाउट केडन लाइव में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये वर्जन आप देख सकते हैं 22.12.3 ये वर्जन है। आप लोग इसी वर्जन में, मतलब अपडेटेड वर्जन में काम करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथली आप काम कर पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे दोस्तों क्योंकि ये मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये ऑडियो जो लेयर है, दो ऑडियो लेयर है, मुझे एक ऑडियो लेयर चाहिए होगा बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। किसी व्लॉग वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़रूरत होता है दोस्तों, बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के अलावा आपका जो व्लॉग का वीडियो है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता है, उतना कैची नहीं बनता है, इसलिए मुझे इंसर्ट ट्रैक करूँगा और ऑडियो ट्रैक में जाके मैं इधर ओके कर दूँगा तो इधर ऑडियो ट्रैक 3 आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे पास 2 वीडियो लेयर है और 3 ऑडियो लेयर है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑडियो मिक्सर है दोस्तों, इस मिक्सर को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ऑलरेडी छोटा हुआ है।
सबसे पहले मैं एक फुटेज को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले ये क्लिप व्यू पैनल है दोस्तों, और ये टाइमलाइन व्यू पैनल है, विंडो है। तो चलिए यहाँ पर मैं किसी भी एक को क्लिक करूँगा तो वो वीडियो इधर आ जाएगा और प्ले करके मैं इसको सुन सकता हूँ। सामने बीच चलिए इसमें दोस्तों क्या देखा मैंने, चेक क्यों किया, चेक इसलिए किया कि इसमें मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को रखूँगा या फिर इस फुटेज का जो ओरिजिनल साउंड है उसको ज़्यादा रखूँगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। म्यूज़िक वीडियो म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक जब आप सेट करेंगे तो वो उस हिसाब से सेट होता है, जब आपका वॉयस मतलब जब आप कोई इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं तब बैकग्राउंड म्यूज़िक को धीमा कर देना होता है, और जब आप सिर्फ पी रोल या फिर कुछ ऐसे ही अब दिखा रहे हैं जहाँ पर उतना आप बातचीत नहीं कर रहे हैं वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा होता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट साउंड है फुटेज का वो कम होता है दोस्तों। तो चलिए क्या करेंगे हम अभी इसको हम यहाँ पर चैनल वन में यहाँ पर इसको डाल देंगे, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं ये सिनेमैटिक में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक सिल्वर वेव्स है, इसको मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, पहले ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। चलिए ये आ गया है, अब क्या करूँगा इसको मैं मिनिमाइज़ करके रखूँगा और इसको दे दूँगा मैं थर्ड में। तो चलिए और एक चीज़ दोस्तों देखिए ये वाला कौन सा चैनल है, ऑडियो चैनल, ये ऑडियो चैनल वन है, मतलब ये वाला जो लेयर है दोस्तों ये वाला ये लेयर, इस लेयर में ये ऑडियो वन लेयर है। मैं चाहता हूँ ऑडियो वन लेयर में जितना भी फुटेज रहेगा उसका खुद का साउंड नहीं होगा, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक हाई रहेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जाके मुझे इंडिविजुअली इसका वॉल्यूम को कम करने का ज़रूरत नहीं है, मैं चैनल वाइज इसको कर सकता हूँ। कैडन लाइव का ये एक स्पेशल फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चैनल का नाम दिया गया है A1 चैनल, मैं इधर आपको दिखाता हूँ A1 A2 एंड मास्टर। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं इधर करूँगा तो यहाँ पर A3 भी आपको दिखने लगेगा, इधर देखिए A3 है 1, 2 एंड 3, इधर भी दोस्तों A1, A2 एंड A3 है, इसीलिए इधर तीन चैनल आपको दिखा रहा है। मैं क्या करूँगा A1 जो चैनल है इसका वॉल्यूम को मैं कम करके रखूँगा, एकदम कम। इससे क्या होगा दोस्तों, इस चैनल में जितना भी वीडियो रहेगा वो वीडियो इस वीडियो का खुद का साउंड नहीं रहेगा, इसका दबा दिया। तो चलिए इसको हम प्ले करके सुनते हैं एक बार। इसको मैं एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन लगा दिया तो ये क्या होगा, ऐसे ये ओपन होगा दोस्तों। अब ये जगह जहाँ साउंड चेंज हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप वेब फॉर्म को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप वेब फॉर्म को देख सकते हैं, ये अचानक से इधर वेब फॉर्म थोड़ा ऊपर ऊपर गया है, मतलब यहाँ पर एक बीट है दोस्तों, यहाँ से म्यूज़िक एक पंच है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको कट करूँगा और यहाँ पर मैं दूसरा कुछ फुटेज को इंपोर्ट करूँगा। तो चलिए फुटेज को ट्रिम करने के लिए मैं W प्रेस करूँगा और ये फुटेज ट्रिम हो जाएगा। कैसे कैडन लाइव में शॉर्टकट की दिया जाता है इसके ऊपर मेरा एक अलग सा वीडियो है, आप लोग चाहे उसको भी देख सकते हैं, शॉर्टकट की अपना अपने हिसाब से शॉर्टकट की को कैसे आप सेट करेंगे उसका वीडियो है। तो चलिए यह वीडियो गया, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस भी फुटेज को आप यूज़ कर लेंगे दोस्तों वो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, देखिए बाकी सब सफ़ेद है दोस्तों, यहाँ पर सफ़ेद है लेकिन ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब ये फुटेज टाइमलाइन में चला गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर, फिर से मैं इसको चैनल नंबर ऑडियो चैनल नंबर वन में दिया, मतलब वीडियो ऑडियो वीडियो वन में दिया तो इसका खुद का साउंड नहीं है दोस्तों, मतलब बहुत धीमा साउंड है इसका, क्योंकि मैं ऑडियो मिक्सर में इसका वॉल्यूम को कम करके रखा हूँ। इधर देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, टाइमलाइन में प्ले करूँगा, देखिए और इसका खुद का साउंड सुनेंगे तो यहाँ पर देखिए
ये साउंड है, लेकिन जब टाइम लैप्स में प्ले हो रहा है तो इसका उतना ज़्यादा साउंड नहीं सुनाई दे रहा है दोस्तों। ये एक खासियत है किरण लाइव का। अब मान लीजिए मैं ये वाला फुटेज को, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो वॉयस है वो रहे। चलिए इसको सुन लेते हैं एक बार। ये वाला नहीं, इसी वाले फुटेज में शायद मेरा साउंड है, तो चलिए इसको मैं प्ले करता हूँ एक बार। आगे पीछे दुकान, हाँ इसमें साउंड है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। जैसे ऊपर किया दोस्तों, ऑडियो चैनल में आएंगे तो देखेंगे ऑडियो टू में दोस्तों ये जो जो डीबी मीटर है, मतलब वॉल्यूम लेवल है, ये जीरो में फिट है, मतलब इसका साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा है कि मेरा खुद का वॉइस इधर सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है उसको घटाना होगा। और बैकग्राउंड का म्यूज़िक कैसे घटाना है उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सुन लेता हूँ, पहले इसको ऑफ करके सुन लेता हूँ। सामने फैमिली अच्छी आवाज, हाँ तो चलिए मैं यहाँ पर सुनूंगा और इसका वॉल्यूम को ऑफ करके सुनूंगा। चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट इफेक्ट की फ्रेम में जाऊँगा। तो इधर देखिए इफेक्ट कंपोजिशन में एक विंडो खुल जाएगा, इधर ऑडियो मिक्सर है, इधर इफेक्ट है। जैसे ही मैं इसके ऊपर इफेक्ट दे दिया तो ये विंडो अपने आप खुल जाता है दोस्तों। अगर नहीं खुल रहा होगा आपके पास तो आप यहाँ इस बटन में क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मुझे की फ्रेम चाहिए यहाँ पर, और की फ्रेम का शॉर्टकट है दोस्तों डी। डी प्रेस करने से इधर की फ्रेम का एक पॉइंट आ जाएगा। अगर आप चाहिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप ऐड करें की फ्रेम, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है दोस्तों। अब मुझे क्या है, इधर इसको उससे थोड़ा सा पहले और एक की फ्रेम चाहिए मुझे। अब मैं शॉर्टकट किसे करूँगा, डी प्रेस करूँगा, ये आ गया है, और इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं चाहूँगा ये थोड़ा घट जाए। और कितना घटे, -16 dB तक ये घट जाए। ये देखिए ये -16 dB तक आ गया है दोस्तों। अब सामने फैमिली अच्छा आवाज, अब यहाँ पर मुझे और एक की फ्रेम चाहिए, की फ्रेम दे दिया और यहाँ पर जाके की फ्रेम फिर से ज़ीरो में आ जाए दोस्तों। फिर से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ज़ीरो करके एंटर प्रेस कर दूँगा, ये फिर से ज़ीरो में चला गया। अब यहाँ पर मेरा कुछ बातचीत है वेब फॉर्म को देख के, मैं मुझे पता चल रहा है इधर कुछ बातचीत है, एक बार सुन लीजिए आप लोग। आगे पीछे दुकान, देखिए कुछ मेरा बातचीत है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फिर से की फ्रेम लगाऊँगा, तो डी प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया, और यहाँ पर और एक की फ्रेम लगाऊँगा और इसका भी मैं करूँगा -16। तो ये -16 में आ गया है। आगे पीछे दुकान, कपड़े दुकान बेची मेन रोड पर देखते बेलम, फिर यहाँ से म्यूज़िक बढ़ जाएगा दोस्तों। ये डी और यहाँ पर आके मैं ज़ीरो कर दिया दोस्तों। इससे क्या होता है, अब मैं इसको ऑन करूँगा। अब देखिए मैं पहले से, आप सुन लीजिए एक बार। सामने फैमिली अच्छा आवाज, आगे पीछे दुकान, कपड़े दुकान बेची मेन रोड धारे जा देखते पेलम। अब मैं क्या करूँगा, इधर और एक फुटेज को मैं इंपोर्ट करूँगा। ये वाला फुटेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। एकदम पीछे सामने पहुँचे गए, नहीं इसमें कुछ बातचीत है। चलिए इसमें कुछ बातचीत नहीं है। मैं इसको चाहता हूँ इसके अंदर खुद का वॉइस का जो साउंड है वो नहीं रहे, इसलिए मैं इसको ऑडियो चैनल में 1 में दे दूंगा, क्योंकि ऑडियो चैनल का ऑलरेडी साउंड मैंने इधर कम करके रखा हूँ। जितना फुटेज इसके अंदर इसके ऊपर मैं डालता जाऊँगा, इसका चैनल का जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली ये इसी में रहेगा, तो इसलिए इसका खुद का जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा दोस्तों। तो चलिए प्ले करता हूँ यहाँ से। इसका साउंड और थोड़ा घटा देता हूं बस।
अब यहाँ से मैं चाहता हूँ इसका दाएं तरफ का हिस्सा गायब हो जाए। इस प्लेहेड से W प्रेस करूँगा, यह प्लेहेड चला जाएगा, मतलब फुटेज ट्रिम हो जाएगा दोस्तों। अब मैं इसको सुनता हूँ एक बार। हाँ, इसको मुझे चाहिए। इसको मैं क्या करूँगा, फिर से ऊपर वाले क्लिप में रखूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ टाइमलाइन को। अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पर एक यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, डी प्रेस करूँगा और यहाँ आके फिर से डी प्रेस करूँगा। आप माउस से भी मैनुअली इस पॉइंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं वॉल्यूम को, लेकिन यहाँ से करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो बैलेंस है रहेगा, इसका जो मेज़रमेंट है वो परफेक्ट बैठता है दोस्तों। मान लीजिए मैं यहाँ से -16 करूँगा, इसको डाउन करेंगे माउस को पकड़ के तो भी हो रहा है। देखिए ये, देखिए ये -18 हो गया, ये -17, ये -15, मतलब यहाँ से दोस्तों क्या होता है, अगर आप माउस से ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो ये एकदम एग्जैक्ट आप जो नंबर चाहते हैं वो नंबर में ये नहीं सेट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये रेड हो जाता है और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे -16 या फिर 17 कर देंगे तो उसी हिसाब से ये बैठ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब प्ले करके सुनते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से म्यूजिक को ऊपर ऊपर उठा देना है, क्या करेंगे, इसको डी प्रेस करेंगे, अब फिर से डी प्रेस करेंगे और इसको हम जीरो कर देंगे। ये देखिए जीरो हो गया यह। अब दोस्तों आपका अगर आप चाहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ये भी इस हिसाब से मतलब कम या ज़्यादा हो, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट इफेक्ट करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इधर ये आ जाएगा एक की फ्रेम और इधर एक की फ्रेम आ जाएगा दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों, तो ये देखा कैसे म्यूजिक के साथ ये मैच हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फुटेज को हम डालते जाएंगे ताकि W कट गया दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसका जो वॉल्यूम है वो रहेगा दोस्तों, मतलब इसका म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा इधर जाके। अब इधर क्या करूँगा, फिर से डी प्रेस करूँगा, इधर सेलेक्ट करके डी प्रेस करूँगा और यहाँ पर आके फिर से डी प्रेस करूँगा और इधर आके -19 कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे इम्पोर्टेंट बातचीत है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इसको। बहुत सारा नॉइज़ है दोस्तों इसमें, मतलब चैनल टू के ऊपर जितना सारा फुटेज में डालता जा रहा हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में मतलब इसका जो ऑडियो है, इस ऑडियो में बहुत सारा नॉइज़ है। मैं चाहता हूँ इस नॉइज़ को थोड़ा सा डी नॉइज़ करूँ, तो डी नॉइज़ करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑडियो के अंदर ढूंढेंगे LSPDA, इधर अंदर दोस्तों इधर ये नॉइज सप्रेसर फॉर वॉइस, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग फुटेज के अंदर नहीं देंगे, हम दे देंगे इसको इस चैनल के ऊपर। जैसे इस चैनल के ऊपर मतलब इस A2 के अंदर छोड़ेंगे तो दोस्तों आप देखिए ये नॉइज सप्रेसर वॉइस आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये नॉइज सप्रेसर फॉर वॉइस ये आ गया है दोस्तों, मतलब चैनल के ऊपर ही आ गया है। अब मैं इसको सुनूंगा। কাকুটা বলছি খুব ভালো হয়েছে।
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया नॉइज जो साउंड है उस नॉइज को डीनॉइज कैसे किया जाता है, और उसके बाद में और तीन जो यह है फुटेज है उस फुटेज को मैंने ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं इधर। और जिस चैनल के ऊपर मुझे साउंड नहीं चाहिए वो चैनल वन में रख रहा हूँ, और जिसके ऊपर मेरा वॉइस चाहिए होता है वो मैं चैनल टू पे रख रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं यहाँ पर साउंड को एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सुन लेते हैं एक बार। नहीं, 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 यहाँ पर मुझे डी डी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर साउंड को घटा दूंगा, इसको थोड़ा बाएं तरफ लेके आएंगे। हाँ यही प्रॉब्लम होता है माउस के साथ काम करने के लिए दोस्तों। चलिए চিংড়িটার মজাটা নিন। चलिए मैं दो चार और फुटेज इधर इंपोर्ट कर लेता हूं दोस्तों। ये रहेगा इधर, तो म्यूजिक को भी मुझे एडजस्ट करना होगा। डी डी इधर जीरो, इसके एक बार साउंड को हम सुन लेते हैं दोस्तों। हाँ इसमें वॉल्यूम चाहिए मुझे दोस्तों, क्या करूँगा इस हिसाब से यहाँ पर इसका वॉल्यूम को मैं सेट करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ तेरी कंट्रोल जेड, इसको मैं डिलीट करूँगा कहाँ से दोस्तों, चलिए इसमें मुझे साउंड नहीं चाहिए तो इसको मैं नीचे कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे साउंड ज्यादा चाहिए, अब क्या करूंगा इधर डी और यहाँ पर फिर से डी और यहाँ पर जीरो।
तो हो गया है दोस्तों, करीब करीब ऐसे ही हम लोग एडिट करते जाएंगे और इसको प्ले करके भी देखेंगे। चलिए दूसरा एक म्यूजिक लेने का टाइम आ गया है दोस्तों, अभी छोटा सा एक म्यूजिक को ले लेते हैं, सिनेमैटिक में ही जाएंगे, इसके ऊपर प्ले करके सुनते हैं। नहीं चलेगा, चलिए इसको ले लेते हैं। कहाँ काट दिया रे बाबा, ओफो वीडियोस फिर से लेना पड़ेगा। म्यूजिक सिनेमैटिक, फ्री म्यूजिक सिनेमैटिक, ये लास्ट वाला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, किसी भी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हो जाएगा दोस्तों। इसको हम मिनिमाइज करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके इधर रख देंगे और इसको एक ट्रांजिशन दे देंगे यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, इधर एक फुटेज लेना है हमको और वो फुटेज है ये फुटेज, मैं इधर दे देता हूँ एक छोटा सा फुटेज। ये क्या है सुन लेता हूँ, इसको ऊपर रखना है, इसका वॉइस चाहिए मुझे। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है मुझे, वॉल्यूम को घटा देना है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, ऐड वॉल्यूम की फ्रेम करेंगे, डी करेंगे और यहाँ पर फिर से डी करेंगे और इसको कर देंगे, इसको घटा देंगे 21 डीबी तक, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे 21 डीबी नहीं। माइनस 16 कर देते हैं।
রাত্রের সমুদ্র রাত্রের সমুদ্র तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे एक YouTube के लिए वीडियो को एडिट किया जाता है। चलिए इसको रेंडर भी आपको दिखा देते हैं, रेंडर सेटिंग्स का कैसा है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट में जाएंगे और रेंडर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो MP4 मेन स्ट्रीम है इसी के ऊपर जो है दोस्तों ये वाला, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दूसरा कुछ सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और मोर क्लिप्स में आएंगे, ये मोर क्लिप्स में मोर ऑप्शन में आने के बाद ये कस्टम क्वालिटी में जाएंगे और इसको 75 से 100% कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका एक नाम देंगे दोस्तों, PURI पूरी 6 मैं इसको नाम देता हूँ, सेव करेंगे और यहाँ पर रेंडर टू फाइल में क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही रेंडर टू फाइल में क्लिक कर देंगे दोस्तों तो ये रेंडर होना चालू हो जाएगा। ये वेटिंग आपको दिखा रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों थोड़ी देर में, रेंडर में टाइम लेता है। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो से अगर हेल्प मिला है आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी को भी, अपने दोस्त रिश्तेदार बहुत लोग हैं जो लोग यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाते हैं, उन लोगों को हेल्प मिल जाएगा दोस्तों। केरन लाइव बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आज का ये ट्यूटोरियल था दोस्तों, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।